सरकार के मुखिया कई बार कह चुके हैं कि राहत कैंपों के अंदर रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है, 90 लाख लोगों को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन ये उपलब्धियां हैं पेपर लीक मामले में, ये उपलब्धियां हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने में, ये उपलब्धियां हैं रामनवमी के जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगाने में। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा इस बात की द्योतक है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिस सरकार ने जनहित के काम नहीं किए, सिर्फ अपने सरकार को बचाने के लिए उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डाल के कराते रहे, और अब उन विधायकों के कामों को जनता भी जान चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का सर्वे जो कहते ये हैं कि मेरे सर्वे के अंदर मैं सरकार दोबारा बना रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है, पहले 156 से 56 पे आए, दोबारा सरकार बनाई 21वें सिमटे, अब तो 21 से भी कम विधायक ही चुनाव जीत के आएंगे, बाकी जीतने वाले नहीं है। और इधर बीजेपी ने सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पर निशाना साधा है। जयपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सचिन पायलट को अपने घर के झगड़ों में जनता को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लगातार उठा रही है। प्रदेश में 19 पेपर लीक हुए हैं और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, जिसे आज तक टाला जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं आज कांग्रेस का कोई नेता, जिस समय राजस्थान की जनता आपसे अपेक्षा कर रही थी, आज सचिन जी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे। सचिन जी आप यात्रा लेकर निकल रहे हो अपनी सरकार के कारनामों को लेकर के, आप इसी सरकार ने, आज हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, एक नहीं 19 पेपर लीक हुए हैं, और सीधे सीधे जो रीट को उन्होंने कहा था रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। हमने कहा कि इसके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सीधे तार जा रहे हैं, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का होगा, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी उसको अपने टालने का काम कर रहे हैं। सचिन जी अपने घर के झगड़ों को जनता के बीच मत लाइए, इन विषयों को लगातार उठाइए और अपने सत्ता के संघर्ष मत लाइए। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को जयपुर में अपने निवास पर मीडिया के सामने पूरी हनुमान चालीसा सुनाकर कहा कि हम कर्नाटक का चुनाव जीत रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिल गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नाटक किया, इसीलिए 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश। 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश। झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा डरेगा नहीं। तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ, बजरंग बली का आशीर्वाद इधर मिल गया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।